खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है। पंजाब पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच अमृतपाल कभी पंजाब तो कभी हरियाणा में लोकेट होता है। वो अलग अलग गेटअप में नजर आ रहा है। चेहरा और पहचान छुपाकर भाग रहे अमृतपाल को पकड़ने में अब तक पंजाब पुलिस नाकाम रही है। इस बात पर हैरानी जताई है अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने। उन्होंने अमृतपाल से भी अपील की है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक वीडियो जारी कर अमृतपाल से सरेंडर करने की अपील की है। इस वीडियो में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, अगर अमृतपाल फरार है तो मैं उसे सरेंडर कर खुद को कानून के हवाले करने की अपील करूंगा। आज हर सिख के मन में ये सवाल है कि इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद पंजाब पुलिस एक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इससे पंजाब पुलिस के कामकाज पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर पंजाब पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया है तो पुलिस को इसका भी खुलासा करना चाहिए। बता दें कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इसी मुद्दे पर सिख संगठनों की एक बैठक भी बुलाई। वहीं पंजाब पुलिस ने पटियाला से एक महिला को अमृतपाल और उसके एक साथी को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पटियाला की बलबीर कौर पर आरोप है कि फरारी के दौरान उन्होंने अमृतपाल और उसके एक साथी को अपने घर पर 5 से 6 घंटों तक पनाह दी और उसकी भागने में मदद भी की। अमृतपाल की अलग अलग गेटअप में पुलिस ने तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। अमृतपाल के विदेश भागने का भी शक है। ऐसे में पंजाब पुलिस पर सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं कि वो वक्त रहते अमृतपाल को न तो रोक पाई और न ही फरार होने के बाद अब तक उसे पकड़ पाई है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अपील के बाद देखना होगा कि भगौड़ा अमृतपाल सरेंडर करता है या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।